नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। इस वक्त आपको हम एक ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं, दरअसल एक ऐसा वीडियो दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आपको थोड़ा सुकून महसूस होगा। दरअसल ये तेजस्वी यादव का एक वीडियो है जिसमें वो किसी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर बात कर रहे हैं। तो पहले आप वो वीडियो देखिए कि क्या तेजस्वी यादव किससे बात कर रहे हैं और क्या कुछ बात कर रहे हैं। नमस्कार, उधर से लो। तबीयत ठीक है? अभी कृषि मंत्री है सर, कृषि मंत्री सर। प्रणाम सर, बादल है सर। सर तेजस्वी बाबू आपका हाल समाचार पूछ रहे हैं सर। चेन्नई में राजू। हाँ तेजस्वी सर, हाल समाचार पूछ रहे हैं। बहुत ठीक है कि नहीं? हाँ सब ठीक है। अभी कहाँ? चेन्नई में। अच्छा 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 अच्छा, चलो ध्यान रखो, हम लोग मौका मिलेगा, सब शुभकामना है। तो देखा आपने इस वीडियो में तेजस्वी यादव किसी का हालचाल ले रहे हैं। तो बिल्कुल ये तस्वीरें, ये वीडियो रांची से आई हैं। दरअसल रांची में तेजस्वी यादव कल थे और उन्होंने अपने पिता लालू यादव से मुलाकात की थी। लंबी मुलाकात चली थी, लंबी बात हुई थी। और इसके पहले, अपने पिता से मुलाकात के पहले, वो झारखंड के मंत्रियों से भी मिले थे। झारखंड के दो मंत्री, जो बादल पत्रलेख और जो दो मंत्री पहुंचे थे, बादल पत्रलेख और सत्यानंद भोक्ता, उन्होंने मुलाकात की थी तेजस्वी यादव से और लंबी बात उनसे भी चली थी तेजस्वी यादव की। तो इन बातों के बीच उन दो मंत्रियों ने एक वीडियो कॉलिंग कराया तेजस्वी यादव का और तेजस्वी यादव ने बातचीत की। दरअसल ये जो वीडियो कॉलिंग हुई थी, वीडियो कॉलिंग लगाया गया था जगन्नाथ महतो को, जिनका चेन्नई में इन दिनों इलाज चल रहा है। जगन्नाथ महतो जो पिछले दिनों सितंबर महीने में कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, उसके बाद से लगातार उनका इलाज चल रहा है। तो उनका हालचाल लिया तेजस्वी यादव ने। ये एक सुखद तस्वीर सामने आई। दरअसल जगन्नाथ महतो लंबे समय से बीमार है और उनका इलाज चल रहा है। इस बीच उन मंत्रियों ने, जो झारखंड सरकार के दोनों मंत्री हैं, उन्होंने तेजस्वी यादव की बात करवाई जगन्नाथ महतो से। जगन्नाथ महतो को हाय हेलो करने के बाद उन्होंने हालचाल लिया और उनके स्वास्थ्य लाभ की कामना की। तो ये तमाम बातें सामने आई, ये वीडियो सामने आया है रांची से। अब तो रांची से लौट भी आए हैं तेजस्वी यादव, रांची से रवाना हो चुके हैं कुछ घंटों पहले और पटना पहुंच रहे हैं तेजस्वी यादव। और पटना में कल एक बड़ी बैठक भी हो रही है जिसमें समीक्षा की जाएगी। पार्टी के हारे और जीते तमाम प्रत्याशी मौजूद रहेंगे कल की बैठक में और तेजस्वी यादव आगे की रणनीति तैयार करेंगे। दरअसल लालू यादव से मुलाकात के बाद उन्होंने तमाम रणनीतियां तैयार की हैं कि आगे अब क्या कुछ करना है, आगे अब किस तरह से, जो उन्होंने बड़ी सफलता हासिल की है, हालांकि सरकार नहीं बन सकी बिहार के अंदर, अब इस सफलता को आगे कैसे ले जाना है, वो तमाम जो है गुरु मंत्र उन्होंने लालू यादव से लिया। और उसके बाद अब तेजस्वी यादव पटना लौट रहे हैं और पटना लौट कर वो जो है एक बड़ी बैठक करेंगे और तमाम बातें। हालांकि इस बीच हमने आपको एक खबर भी दिखाई कि बैठक से पहले, समीक्षा बैठक से पहले, कहीं ना कहीं आरजेडी में विरोध के सुर भी उठ रहे हैं और एक बड़े नेता जो है अब्दुल बारी सिद्दीकी, दरअसल उन्होंने इशारों में तेजस्वी की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं। लालू यादव को उन्होंने पार्टी का नेता बताते हुए कहा कि लालू यादव के रहते सब कुछ सही था और तेजस्वी यादव की कार्यशैली पर उन्होंने कहीं ना कहीं सवाल खड़े किए। तो तमाम चुनौतियां हैं तेजस्वी यादव के सामने। वो बिहार से लेकर झारखंड तक तमाम कवायदे कर रहे हैं। झारखंड में उनके पिता का इलाज चल रहा है, दरअसल वो सजायाफ्ता है और चारा घोटाले में सजा काट रहे हैं और बीमार भी हैं। बीमारी को लेकर काफी चिंतित भी थे तेजस्वी यादव जब कल उन्होंने पिता से मुलाकात की थी। तो मुलाकात के बाद वो तमाम बातें बताई थी और उन्होंने कहा था कि लालू यादव बीमार हैं, 25% उनकी किडनी ही काम कर रही है। और इसके लिए तेजस्वी यादव ने कहा, उन्होंने दिल्ली के तमाम चिकित्सकों से, जो बड़े डॉक्टर हैं, उनसे संपर्क किया है और उनसे रिक्वेस्ट किया है कि वो आकर उनके पिता के स्वास्थ्य की जाँच करें। ये तमाम बातें सामने आई थी। इस बीच जो ये वीडियो आया उसमें, जिसमें उन्होंने जगन्नाथ महतो का हालचाल लिया। दरअसल आपको जगन्नाथ महतो के बारे में बता दें, जगन्नाथ महतो जो है पिछले सितंबर महीने के आखिरी दिनों में कोरोना पॉजिटिव हो गए थे और उसके बाद उनकी लगातार हालत बिगड़ गई थी।
हालत ये हो गए थे कि उन्हें चेन्नई ले जाना पड़ा था और चेन्नई में उनका इलाज चल रहा था। दरअसल चेन्नई में बताया गया कि पल्मोनोलॉजी और चेस्ट विभाग में झारखंड के शिक्षा मंत्री का लंग ट्रांसप्लांट प्लांट किया गया था और ये नौबत आई थी कोरोना पॉजिटिव होने के बाद शिक्षा मंत्री के, जो झारखंड सरकार के शिक्षा मंत्री हैं जगन्नाथ महतो। तो तेजस्वी यादव ने उनका हालचाल लिया है और जो उनके साथ जो दो मंत्री मौजूद थे उनके साथ उन्होंने उनके स्वास्थ्य लाभ की कामना की है। एक बात और बता दें, जो पिछले दिनों स्वास्थ्य लाभ की जब कामना तेजस्वी यादव ने की थी मांझी के लिए, दरअसल मांझी भी कोरोना पॉजिटिव हो गए थे तो उस पर काफ़ी बड़ी सियासत हो गई थी। मांझी ने उन्हें पुत्र समान बताते हुए उन्हें बिहार का युवा नेता बताया था, तो बिहार की सियासत में एक तरह से बहुत कुछ उथल पुथल मचने लगा था। लग रहा था कि कहीं ना कहीं मांझी तेजस्वी यादव के लिए पॉजिटिव हैं। हालांकि तमाम बातों को मांझी तेजस्वी यादव ने नकार दिया और अब मांझी भी जो है पलट गए हैं और मांझी भी जो लगातार तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी पर हमला बोल रहे हैं। खैर, मांझी के साथ जो कुछ हुआ, पर अब जो तेजस्वी यादव ने झारखंड सरकार के एक मंत्री का हालचाल लिया है और ये वीडियो सामने आया है। अगर आपको ये खबर अच्छी लगे तो इसे जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।